शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जानकारी दे दें कि हरियाणा आम आदमी पार्टी अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ उन्होंने कहा वो हम आपको बताएंगे। हरियाणा में बढ़ती गरीबी को लेकर सरकार को घेरा। हरियाणा में गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। सुशील गुप्ता की तरफ से ये बयान सामने आया है। बीपीएल कार्ड लाभार्थियों की संख्या 30 लाख बढ़ चुकी है। तो प्रदेश सरकार के राज्य में ना रोजगार मिला और ना ही शिक्षा मिली है। प्रदेश में गरीबों की संख्या बढ़ना शर्मनाक है। तो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यहां पर मौजूदा सरकार को घेरा गया है। हरियाणा के अंदर गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। हरियाणा के अंदर बीपीएल कार्ड के लाभार्थियों की संख्या 30 लाख बढ़ गई है, जो पहले 1,26,00,000 होती थी अंत्योदय लाभार्थियों की, और बीपीएल लाभार्थियों की संख्या वो बढ़ के 1,56,00,000 हो गई। खट्टर साहब के राज के अंदर ना रोजगार मिल रहा है ना शिक्षा मिल रही है, केवल जाति और धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है और गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। कैसे ये सरकार काम कर रही है, हर तरीके से निराशा ही निराशा देखने को मिल रही है। 30 लाख लाभार्थी गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, जो 30 लाख लोग और गरीब हो गए हैं, खट्टर साहब इसका क्या जवाब देंगे? क्योंकि आप रोजगार देते नहीं है, शिक्षा आप देते नहीं है। व्यापारी डर के साए के अंदर जीता है, नए उद्योग यहां पर लग नहीं पा रहे। हर तरीके से खट्टर सरकार फेल हुई है। और एकमात्र प्रदेश हरियाणा प्रदेश जो खुशहाली का संदेश देता था, यहाँ पे गरीबों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत ही शर्मनाक बात है, खट्टर साहब के राज के अंदर 30 लाख लोगों का और गरीबी रेखा से नीचे जाना अपने आप में बहुत ही दुखदायी बात है।